भद्रकाली। मैं माँ की लाडली बेटी। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि जय माँ भद्रकाली की चौकी की जो शुरुआत है वो कब से हुई, कैसे हुई और कहाँ से हुई। कहाँ से हुई का मतलब ये है कि ये जो माँ काली की शक्ति, माँ दुर्गे की जो नौ रूपों की जो शक्ति है, ये मुझे कहाँ से मिली और ये चौकी लगाने के लिए मुझे किसने प्रेरित किया, उसके लिए आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज आपको लिए चलते हैं माँ कालका के मंदिर। आज हम आपको माँ कालका के दर्शन कराने वाले हैं, क्योंकि मैं माँ कालका को बहुत मानती हूँ। ये जो मंदिर है माँ कालका का, हमारे दिल्ली में है, कालका जी में। यहाँ सात्विक और तामसिक दोनों तरह की पूजाएँ होती हैं। जिस तरह मेरी चौकी तो वैष्णव चौकी चलती है, लेकिन यहाँ माँ भद्रकाली शमशान रूप में भी हैं और वैष्णव रूप में भी हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग तो कालका मंदिर जाते रहते हैं, आसपास रहने वाले लोग भी दिल्ली के जो हैं वो कालका मंदिर जाते रहते हैं। जो लोग दिल्ली से बाहर है, जो लोग दिल्ली में नहीं आ पा रहे हैं, जो कालका माँ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आज मैं उनको अपने साथ लिए चलती हूँ माँ कालका के दर्शन कराने के लिए। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं माँ कालका मंदिर और करते हैं माँ कालका के दर्शन। हम लोग चलते हैं कालका मंदिर के लिए। कालका मंदिर चलने के लिए हमें, जहाँ मैं रहती हूँ, मुझे वहाँ से ऑटो, टैक्सी या गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ कालका मंदिर से। कालका मंदिर पहुँचते पहुँचते हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि जय माँ भद्रकाली चौकी की शुरुआत कैसे हुई और चौकी लगाने के लिए मुझे किस चीज़ ने प्रेरित किया। तो कालका मंदिर हम लोग जा रहे हैं, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। इसी बीच हम बातें भी कर लेते हैं, कहते हैं बातें करते करते रास्ता बहुत जल्दी कट जाता है। वैसे तो माँ की कृपा मेरे ऊपर बहुत पहले से ही थी। माँ आती थी, माँ खेलती थी, माँ बोलती भी थी, पर चौकी लगाने के लिए मुझे क्या फील हुआ या क्यों मुझे चौकी लगाने की ज़रूरत अनुभव या एहसास हुआ, इस चीज़ का क्यों हुआ, वो बताती हूँ मैं आपको। दिल्ली में एक बहुत ही सिद्ध पीठ, बहुत फेमस मंदिर है माँ कालका का। जैसे कि मैंने बताया, माँ कालका का तो पहले से ही वास था, मेरी शरीर के ऊपर सवारी थी उनकी। परंतु चौकी के लिए मुझे इतना ना ही उनके बारे में, चौकी के बारे में कुछ पता था, ना ही माँ काली के बारे में मुझे कुछ भी पता था। क्या सब ये चौकी के लिए होता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो चौकी लगाने के लिए मुझे सबसे पहले कालका मंदिर से ही आदेश हुआ था। जब मैं कालका मंदिर गई तो मेरी जो अधूरी शक्तियाँ थी वो वहाँ पर जाकर पूर्ण हो गई, कह सकते हैं। मुझे वहाँ जाकर बहुत सी शक्तियों का एहसास हुआ, मेरी शक्तियाँ बढ़ती चली गई। जब जब मैं मंदिर गई, मेरे साथ नई से नई शक्ति जुड़ती चली गई। और जब ये नई से नई शक्तियाँ जुड़ते मेरा जो ज्ञान है वो बढ़ता चला गया। मेरा जो झुकाव है, रुझान है, वो माँ की तरफ इतना बढ़ गया कि मुझे माँ से ये आदेश हुआ कि तुम जो है, तुम्हें लोगों के फायदे के लिए काम करना है, तुम्हें लोगों के भले के लिए काम करना है। तो उसके लिए जो रास्ता दिखाया मुझे माँ ने, वो यही दिखाया कि मैं चौकी लगा करके लोगों को, जो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कोई काम धंधे से दुखी होता है, कोई किसी चीज़ पर कोई बाधा आ जाती है उससे दुखी होता है, और लोग बहुत से ऐसे होते हैं कि जो पैसा वैसा ठग लेते हैं ये सब करने के लिए। तो माँ ने मुझे आदेश दिया कि मुझे ये निःशुल्क सेवा देनी है, और ये निःशुल्क सेवा ये है कि चौकी लगाई जाए और चौकी पर आने वाले हर इंसान को माँ बराबर नज़र से देखे, अपने बच्चों की नज़र से देखे और उन सब का माँ भला करे। तो इस तरह से जय माँ भद्रकाली चौकी की शुरुआत हुई। हम लोग जो हैं अब कालका मंदिर पहुँचने वाले हैं। ये देखिए कालका मंदिर हम आने वाले हैं। कालका मंदिर पहुँचने से पहले देखिए रास्ते में आप एक और यहाँ मंदिर देख रहे हैं, ये भैरव बाबा का मंदिर है। जो मेरी चौकी पर भैरव बाबा की हाजिरी पड़ती है, वो इसी मंदिर से मुझे शक्ति मिली हुई है। काशी के कोतवाल जो हैं भैरव बाबा, उनकी हाजिरी पड़ती है। ये लीजिए, हम लोग पहुंच गए हैं कालका माँ के मंदिर।
और आगे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ का जो है प्रवेश द्वार है यहाँ से। अब यहाँ से हम अंदर माँ के मंदिर की ओर चल रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आस पास दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। इन दुकानों पर आपको मंदिर से जो जुड़ा सामान है वो तो मिल ही जाता है, साथ में आपको यहाँ बच्चों के लिए और सुहागनों के लिए भी बहुत सारा सामान मिल जाता है। यहाँ मूर्तियाँ, आपको हर तरीके की मूर्ति मिलती है यहाँ पर, पीतल की, मेटल की, फाइबर की, पत्थर की, फोटो सब यहाँ मिलता है। ये माँ की फोटो तो यहाँ मिलती ही मिलती है, यहाँ और भी सब तरीके की मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं सब भगवानों की, चाहे वो आप हनुमान जी हों, चाहे श्री राम हों, या वो माँ शेरा वाली हों, या साईं बाबा, यहाँ सब तरीके की मिलती हैं। यहाँ पर आपको माँ को चढ़ानी है चुन्नियाँ, नारियल, सिंगार, वो सब भी मिलता है। आगे आप सब चलेंगे तो वहाँ प्रसाद की दुकानें भी हैं, तो वो भी मिलती हैं यहाँ पर। सुहागनों के लिए चूड़ियाँ, सिंदूर सब यहाँ पर मिलता है। प्रसाद के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि प्रसाद जो है आप घर से लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रसाद मैं यहाँ से कभी खुद नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई और वो नहीं, मतलब समझ में नहीं आता है वो, क्योंकि मैंने कभी लेके एक बार दो बार चढ़ाया है तो मुझे वो स्वाद में टेस्ट में भी नहीं कुछ समझ में आया। तो जो चीज़ हम खुद नहीं खा सकते वो हम अपनी माँ को कैसे खिला सकते हैं, तो प्लीज़ प्रसाद आप जो है घर से लेकर जाइएगा। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ सिंदूर हैं, खिलौने हैं बच्चों के लिए, माँ की चुन्नियाँ हैं, सूखा प्रसाद भी यहाँ मिलता है, जैसे चिनौरी, परमल, ये सब भी मिलता है, वो आप को जो पसंद आया वो ले सकते हैं। यहाँ दुकानों के बीच में छोटे छोटे भवन भी बने हुए हैं, जैसे माँ वैष्णो के दरबार में बने होते हैं रास्ते पर, तो आप यहाँ पर वो फोटो भी अपनी खिंचवा सकते हैं, जो जिसमें बहुत सुंदर सुंदर भवन बने हैं, माँ की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और भी भगवानों की मूर्तियाँ जहाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, तो वो आप यहाँ पर सुंदर सुंदर तस्वीरें बनवा सकते हैं, जो हाथ की आती शायद ये खींच के दे देते हैं, मैंने कभी बनवाई नहीं है तो मुझे पता नहीं है। आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग जो है, ये जूता स्टैंड है, यहाँ आप लोग अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं, श्रद्धा के अनुसार आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ नया जोड़ा आप देख रहे हैं, ये भी अपनी पूजा करने यहाँ मंदिर में आए हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं माँ के भवन की ओर। अब हम माँ के भवन की ओर जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ माँ के भवन का रास्ता और ये सब दिखा रही हूँ। अंदर जो हम जाते हैं भवन में, वहाँ फोटो और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक ये अलाउड मैं वहीं तक बनवा के दिखा रही हूँ आपको, भवन की तो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। चलिए देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये मेन द्वार है जहाँ हम माँ को अंदर जा कर के प्रणाम करते हैं, और यहाँ से हम आप गोल चक्कर में ये मंदिर बना हुआ है त्रिकम्मा, जिसको देते हुए हम पहुँचते हैं। त्रिकम्मा मैं नहीं दे रही हूँ, हम यहीं से अभी एंट्री कर लेते हैं और चलिए अभी हम माँ के भवन की तरफ चलते हैं। आज मंदिर में देख रहे हैं आप भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, वरना यहाँ बहुत भीड़ होती है माँ के मंदिर में। आज मैं नॉर्मल आई हूँ, कोई दिन नहीं था मंगल शनि, तो यहाँ भीड़ नहीं है, फिर भी आप देखिए हम पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ फिर भी लाइन लग गई है, और ये अंदर जो है माँ के भवन का मेन द्वार है। अब मैं आपको माँ के हवन कुंड की तरफ लेकर के आई हूँ, जहाँ पर ये माँ की विभूति मिलती है और प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है। बोला जाता है कि यहाँ पर सिर्फ खाने की चीज़ें ही डाली जाती हैं। और अब हम आगे चलते हैं, मेरे जो यहाँ दर्शन है वो पूरे हो चुके हैं, अब हम यहाँ से बाहर की ओर चलेंगे। दर्शन पूरे होने के बाद हम भोलेनाथ महाराज को प्रणाम करके अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने सिंदूर खरीदा है, किसी भी पूजा स्थल पर जाकर सबसे पहले सिंदूर खरीदना सुहागनों के लिए अच्छा होता है। मैं तो यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, ये सिंदूर मैंने अपने लिए नहीं, अपनी एक जो पहचान वाली हैं जिनके यहाँ मैं अभी थोड़ी दिनों बाद जाने वाली हूँ, मैंने उनके लिए लिया है। अब यहाँ से मैं एक मूर्ति खरीद रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं जिनके यहाँ अभी जाने वाली हूँ, उन्होंने माँ काली की मूर्ति मंगवाई है कालका मंदिर से, तो मैं ये उनके लिए यहाँ से लेकर के जा रही हूँ और माँ से प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर में बहुत सारी सुख शांति हो। जिनके घर ये जा रही हैं, भंडारे उनके भर दे वहाँ, जो भी उनके संकट है वो काटे, इतने दिन जो उनसे दूर रही हैं वहाँ जा कर के सारा प्यार दुलार जो माँ ने इकट्ठा किया है अपने बच्चों पर लुटाएं और खूब बरकत दें। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने इनको बोला है कि ये मूर्ति को अच्छे से ढक दें, इनका मुँह ढक दें, क्योंकि कोई भी मूर्ति अगर आप प्राण प्रतिष्ठित करके ले जाते हैं तो उसको मुँह ढका होना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि पंडित लोग अपने हिसाब से कराते हैं पूजा पाठ, उसमें वो पैसे खाते हैं, मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगी नहीं,
अपने मन से श्रद्धा से जो चीज़ हो जाती है उस जैसी तो कोई भी बात नहीं है। तो आप इसे अच्छे से किसी भी चीज़ को मूर्ति को खरीदें तो मुंह ढक के लेके जाएं। यहाँ से हम जो है मंदिर के बाहर एक सरकटा भैरव मंदिर है, वहाँ पर हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं कि माँ के मंदिर के बाद अगर भैरव बाबा के दर्शन ना हों तो यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो चलिए आइए हम भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने से पहले यहाँ पर एक मारुति मंदिर है हनुमान जी का, उनके दर्शन दिए गए हैं। अब अंदर चल करके भैरव मंदिर है, जो सरकटा भैरव मंदिर है, यहाँ भैरव बाबा की सरकटी हुई मूर्ति स्थापित की हुई है। ये है भैरव बाबा, इनकी सरकटी हुई मूर्ति यहाँ स्थापित है। मैं आज यहाँ पर भैरव बाबा को और माँ कालका को उनका भोग देने के लिए आई थी। भोग आप कुछ भी दे सकते हैं, मुझे यहाँ पर उनको उनकी मदिरा भोग में देनी थी तो मैं वो लेकर के आई हूँ, वो मैं दे रही हूँ। और जो ये वहाँ के पुजारी हैं वो उनको भोग लगाने के लिए अभी एक पात्र निकालेंगे और देखिए उसमें वो भोग लगाने के बाद हम यहाँ से अब आगे चलेंगे, मंदिर की जो बाकी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं उनके दर्शन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मंदिर से निकलते वक्त कभी भी ये मान्यता है यहाँ पर कि भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ हमेशा खाना चाहिए। तो आपकी मर्जी है, मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें बनी हैं, वहाँ से आप कुछ लेके खा सकते हैं या आप जो प्रसाद अपने साथ लाए हैं उसमें से थोड़ा सा प्रसाद खा करके आप अपना मुंह झूठा कर सकते हैं। कभी भी बिना मुंह झूठा करें यहाँ से ना जाएं। ये देखिए मंदिर में और भी बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हैं, गणेश जी की, विष्णु लक्ष्मी की, माँ शेरों वाली की, माँ भद्रकाली की। ये मंदिर तो माँ कालका का है लेकिन यहाँ माँ भद्रकाली की भी अलग से एक मूर्ति स्थापित की गई है, साथ में भोलेनाथ की भी है और शिवलिंग भी है। तो चलिए आज की हमारी यात्रा पूर्ण होती है। जय माँ कालका। मैं माँ की लाडली बेटी।